सेविंग अकाउंट एक बेहतरीन ऑप्शन है जिसका उपयोग आप अपनी कमाई हुई धनराशि को सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए कर सकते हैं और आप अपने रुपयों को कहीं भी और कभी भी बिना किसी झंझट के निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट होने का एक फायदा यह भी है कि बैंक आपकी जमा की हुई राशि पर ब्याज भी देता है। साथ ही कई सारी गवर्नमेंट स्कीम से फायदा लेने के लिए आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। इंडिया के अंदर कई सारी बैंक्स हैं, ऐसे में उनमें से एक बेहतरीन बैंक को सिलेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी बैंक्स के बारे में बताऊंगा जो अपने कस्टमर्स को बेहतरीन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। शुरुआत करते हैं 5th नंबर से, जो कि है ICICI बैंक, जो आपको 3% से 3.5% तक पर एनुअल सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। इसमें अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपकी ब्रांच के आधार पर आपको 1,000 रुपये से लेकर 10,000 तक का मिनिमम बैलेंस मंथली मेंटेन करना होगा। लेकिन एक बेसिक सेविंग अकाउंट के लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस निर्धारित नहीं है। ICICI बैंक में सबसे बड़ा सेविंग अकाउंट टाइटेनियम प्रीविलेज सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, रेगुलर, पॉकेट सेविंग और अन्य कई सारे अकाउंट्स की भी सुविधा है। तो अगर आप यूनिक फीचर्स और ट्रस्ट वाला सेविंग अकाउंट चाहते हो तो ICICI बैंक आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 4th पोजीशन पर है एक्सिस बैंक, जो कि इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की 3री सबसे बड़ी और सुरक्षित बैंक है। ये बैंक आपको 3% से लेकर 4% तक के ब्याज के साथ इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ई स्टेटमेंट, SMS अलर्ट्स जैसी सुविधाएं देती है। साथ ही इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग नहीं करते हो तो। एक्सिस बैंक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स में से एक है, जिसकी ब्रांच आपके नज़दीकी सिटीज़ में अवेलेबल है, जिसमें जाकर आप बिना किसी दिक्कत के अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 3rd नंबर पर है कोटक महिंद्रा, जिसे कोटक 811 के नाम से भी जाना जाता है। सेविंग अकाउंट के लिए कोटक महिंद्रा आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, जिसमें आप 811 डिजिटल अकाउंट, ए सेविंग अकाउंट, सेविंग एज और क्लासिक सेविंग्स जैसे सेविंग अकाउंट में से अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी खाता चुन सकते हैं। अगर आप कोटक क्लासिक सेविंग अकाउंट चूज करते हैं तो आपको 3.5% से लेकर 4% तक सालाना ब्याज मिलेगा। साथ ही आपको जीरो बैलेंस अकाउंट, फ्री प्लेटिनम इंटरनेशनल चिप डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जैसी कई सारी फैसिलिटीज मिलती है। हालांकि अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो शायद आपको अपने आसपास इस बैंक की ब्रांच आसानी से ना मिले। 2nd नंबर पर है HDFC बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है और एक काफ़ी ट्रस्टेबल बैंक है, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस बैंक में अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो यह आपको 3% से लेकर 3.5% तक सालाना ब्याज देगा। अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो मिनिमम 10,000, अर्बन सिटीज़ की ब्रांच में खाता खुलवाते हैं तो 5,000 और अगर आप ग्रामीण ब्रांच में खाता खुलवाते हैं तो मिनिमम 2,500 रुपये मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। HDFC आपको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की भी सुविधा प्रदान करता है। HDFC की खास बात है इसकी सर्विस और इसकी सिक्योरिटी। यहाँ पर आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और इस बैंक में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। और आखिर में हमारे पास नंबर 1 पर है SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ बैंक है। और इस बैंक के अंदर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके बिना किसी टेंशन के अपना पैसा यहाँ जमा कर सकते हैं, जिस पर SBI बैंक हर साल आपको 2.7% की दर से ब्याज भी प्रदान करता है। यहाँ पर आपको मंथली कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है और ना ही मैक्सिमम बैलेंस की कोई लिमिट है। आप जितना चाहे उतना पैसा इसमें सेव करके रख सकते हैं। इसके साथ ही SBI बैंक कई सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है, जैसे बेसिक रुपए डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, SMS अलर्ट, इंटरनेट बैंकिंग, योनो SBI ऐप और SBI क्विक मिस्ड कॉल सुविधा। हाँ, वो बात अलग है कि SBI की ब्रांच में इसका स्टाफ आपका सारा काम लंच के बाद ही करता है, लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक है तो आप इस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। सो गाइस, ये थी इंडिया की वो टॉप 5 बैंक्स जिनमें आप पूरे विश्वास के साथ एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।